मिलो सुनो रूल में, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर, धारा दक्षिण यानी साउथ, यस रहेगा, दक्षिण से उत्तर यानी नॉर्थ की ओर, धारा साउथ से नॉर्थ की ओर बह रही हो, तो अगर साउथ से नॉर्थ की ओर बह रही हो तो क्या होगा, चालक तार जो चुंबकीय सुई के ऊपर स्थित होगा, यहाँ लिख देंगे, तो चालक तार, चालक तार चुंबकीय सुई के, चुंबकीय सुई के ऊपर स्थित है। इसका मतलब कह रहा कि अगर चालक में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर अगर बह रहा हो, तो इसमें अगर ऐसी स्थिति है तो ये कहेंगे हम कि जो चालक तार है वो चुंबकीय सुई के ऊपर एकदम जस्ट है। मान लो कि ये सल है प्लस और ये माइनस का, और यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा प्लस से माइनस की ओर, यहाँ कुंजी है, ऑफ ऑन वाला बटन, ये धारा प्लस से माइनस की ओर जाएगा, ये यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है, इसे इसमें अगर आई का मान जीरो होगा तब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में इसमें विक्षेप नहीं होगा, जब धारा नहीं प्रवाहित करेंगे तो कंपास की सुई नहीं चलेगा, दिक् सुई वैसे रहेगा, तब यहाँ लिख देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो विक्षेप होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य होगा, क्योंकि इसमें विक्षेप भी नहीं होगा जब धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो। अब जब धारा प्रवाहित करेंगे तब, यानी धारा का मान जीरो के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ धारा बह रहा है, तो अगर धारा कुछ ना कुछ बहे इसमें, जैसे मान लें कि धारा बह रहा है, तो धारा बहेगा तो इसका मतलब जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा इसका मान, तो ऐसी स्थिति में विक्षेप होगा, तब यहाँ चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा। अब विक्षेप किधर से किधर की ओर होगा, ये नॉर्थ से साउथ की ओर, ये नॉर्थ से साउथ की ओर विक्षेप होगा, तो चिन्ह बना दें इसका, किसी ओर विक्षेप होगा, ऐसे हल्का फुल्का विक्षेप होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगा, तो चुंबकीय सुई इधर रहेगा ऊपर की ओर, इधर बना दो इसे चुंबकीय। अब हेरिंग डालो चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स 4.2। इसका पहला पॉइंट है स्रोत और क्षेत्र, लिख दो स्रोत और क्षेत्र, इसके स्रोत कहाँ से हैं, कहाँ से मिलते हैं ये, और इसका एरिया कौन कौन सा है। जैसे ये कोई मैग्नेट है चुंबक छड़, तो इसका जो क्षेत्र रेखा है वो किधर से ओर चलता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर चलता है, तो यहाँ तक इसकी ये कौन सा रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ये, और यहाँ से यहाँ तक की एरिया को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय एरिया, मैग्नेटिक एरिया यानी चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र जहाँ तक होता है वहीं तक के एरिया को हम कहते हैं चुंबकीय बल। जब उसके आगे आकर्षण करने की क्षमता नहीं तो कहाँ खींच पाएगा वो, तो इसका जो आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता है वो यहीं तक है, तो और जहाँ तक आकर्षण करने की क्षमता होती है उसको कहते हैं हम चुंबकीय बल। और इसका परिभाषा लिख लो, चुंबकीय बल का कारण किसी चालक में बहने वाली धारा के द्वारा उसके चारों ओर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है। वो किसी चालक में बहने वाली धारा के द्वारा जो चारों ओर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, जब धारा उसमें प्रवाहित करेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वही है चुंबकीय बल। अगर ज़्यादा धारा देंगे तो ज़्यादा प्रबल चुंबक होगा, कम धारा देंगे तो कम प्रबल रहेगा। अब हेरिंग डालो वैद्युत क्षेत्र, लिख दो वैद्युत क्षेत्र, ई बराबर क्या होता है, 1/4 pi एप्सिलॉन 0 और q/r², यही तो होता है। अब इसको सदिश बनाने के लिए यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, यहाँ यूनिट वेक्टर r, अगर यूनिट वेक्टर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर वेक्टर नहीं होगा, सदिश नहीं होगा, ये यहाँ लिख दो, अतः जिस प्रकार वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश पर बल लगाता है, प्रकार चुंबकीय क्षेत्र भी आवेश पर बल आरोपित करता है, इसे चुंबकीय बल कहते हैं। क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र ई होता है वो आवेश पर बल लगाता है, अगर आवेश पर बल नहीं लगाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कहाँ से होगा, तो जिस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश पर बल लगाता है
उसी प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक का जो एरिया होता है, वो भी बल आरोपित करता है आवेश पर। और जब वो बल पर आरोपित करेगा आवेश पर, तो उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा गया, इसको चुंबकीय बल कहा जाएगा। कोई ये कुंडली है, अगर इसमें जब धारा देते हैं हम, तो यहाँ पर पता है कि ई उत्पन्न होता है चारों तरफ, वैद्युत क्षेत्र पूरे तार में वैद्युत क्षेत्र, जैसे भी ये धारा आ रहा है इसमें तार में, इसमें वैद्युत क्षेत्र होगा सब तार में। तो जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो आवेश पे बल तो लगाएगा कुछ ना कुछ, तो आवेश पे बल लगाता है ये। तो जैसे वैद्युत क्षेत्र बल लगाता है, उसी तरह का उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगाता है। और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होगा, जब कहीं कुंडली बना होता है तब। अब हेडिंग डालो, चुंबकीय क्षेत्र लॉरेंज बल, चुंबकीय क्षेत्र लॉरेंज बल मैग्नेटिक फील्ड। ये मान लो कि वैद्युत क्षेत्र का रेखा है, ये होता है ना वैद्युत क्षेत्र, और इसी में चुंबकीय क्षेत्र भी चल रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के चलने की दिशा है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, नीचे की ओर। ये मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र इधर वाला, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें मान लो कि कोई क्यू आवेश है, इसके बीच में मान लो कि प्लस कोई प्लस क्यू आवेश है, अब वो वी वेग से इसके अंतर्गत कर रहा है, क्योंकि धारा देंगे तो आवेश चलेगा ही। तो इसमें मान लो कोई क्यू आवेश वो वी वेग से इसमें गत कर रहा है, ये वी वेग से गत कर रहा है। तो जब कोई आवेश क्यू वी वेग से गत करेगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। किसी स्थान पर, माना किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई एक समान रूप से स्थित हैं, एक समान रूप से स्थित हैं। यदि इस पर क्यू आवेश, यदि इस पर प्लस क्यू आवेश वी वेग से गति कर रहा है, वी वेग से गति कर रहा है, वी वेग से गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला क्या चीज निकालना है, परिणामी बल, उस पर लगने वाला परिणामी बल बराबर। तो परिणामी बल बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख दो, परिणामी बल यह बराबर, इसमें दो बल लगेंगे, एक एफ ई और दूसरा एफ एम जी, एम जी मतलब भार वाला और एफ ई मतलब वही वैद्युत क्षेत्र वाला। तो इसमें बल लगेंगे टोटल बल एफ ई प्लस एफ एम जी, और यह बराबर क्या होता है क्यू ई, शुरुआत में पढ़ चुके हो, आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ लिख देंगे, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, चूंकि एफ ई बराबर क्यू ई, ये एफ ई वही आवेश वाला है, ये आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसको मान लो समीकरण सेकंड, अब लिखो लॉरेंज बल के अनुसार, लॉरेंज बल के अनुसार जो क्यू पर लगने वाला बल है वो तीन बातों पर निर्भर करता है, एक आवेश की मात्रा पर, दूसरा निर्भर करता है उसकी वेग पर, तीसरा निर्भर करेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लॉरेंज बल के अनुसार क्यू पर लगने वाला बल, क्यू पर लगने वाला बल किस बातों पर निर्भर करता है, लिख दो, तीन बातों पर निर्भर करता है, तीन बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन। इसका पहला नंबर है कि आवेश की मात्रा पर, यह निर्भर करता है आवेश की मात्रा पर, मतलब क्यू। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा है आवेश का वेग, किस वेग से गति कर रहा है ये, आवेश का वेग वी पर निर्भर करेगा। तीसरा पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फार्मूला होता है बल बराबर, यानी एफ एम जी बराबर क्यू वी बी, बल बराबर आवेश गुणे वेग गुणे चुंबकीय क्षेत्र। एफ एम जी का मान आ गया, एफ ई का मान आ गया, एफ ई और एफ एम जी जो भी आया है, इन दोनों मानों को रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड और थर्ड का मान रखने पर, लिखेंगे यहाँ समीकरण एक में समीकरण दो व तीन का मान रखने पर, दोनों का मान रख देंगे। जब दोनों का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा यफ बराबर, यफ बराबर यफ ही, यफ ही का मान क्यू ई, तो यहाँ हो जाएगा क्यू ई और प्लस यफ एम जी था, तो यफ एम जी का मान ये दिया हुआ है क्यू वी बी,
ये इतना मान हो गया, दोनों में क्यू कॉमन है तो क्यू को कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा ई प्लस वी बी, ये मान मिल जाएगा हमको। तो ये हो जाएगा हमारा एक समीकरण, ये फार्मूला आ गया। कोई सवाल लगाना होगा तो सिर्फ लगेगा, लॉरेंज बल है ये। अभी बताया था ना कि अब बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, अब की बार साइन थीटा लगाएंगे। अब जैसे ये बराबर एफ एम जी निकालना हो तो जैसे अभी किसी कोण पर आ जाए तो मान लो कि वी और बी के बीच में कोई कोण आ जाए, तो कोण आ जाएगा तब क्या करेंगे हम, तो कुछ ना लिख देंगे एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये दो जहाँ थीटा वी तथा बी यानी जो वेग लग रहा है वो वी तथा बी के बीच का कोण है, इन दोनों के बीच का कोण है। अब क्या करेंगे, अब इसका चित्र बनाया जाएगा कि किस प्रकार से कोण बनेगा। ये ऊपर की ओर बल है, बल की दिशा किधर रहता है, ऊपर की ओर, ऐसे अंगूठा वाला बल ऊपर की ओर रहेगा और एक प्लेट बना दो नीचे की ओर, क्योंकि ये 3D में तो रहेगा, बल की दिशा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर रहेगा, सामने की ओर। जैसे ऐसे करके देखो, ये ऊपर बल, इधर चुंबकीय क्षेत्र, इधर क्या रहेगा नीचे की ओर तिरछा यानी दूसरा जो बनेगा जेड वाला, उधर क्या रहेगा वेग यानी वी का मान, वेग माने वही आवेश का वेग, यहाँ पर वही क्यू आवेश रहेगा। एक्स अक्ष पे कौन रहता है, वाई अक्ष पे कौन रहता है, जेड अक्ष पे कौन रहता है, तो ये जो इधर वाला है इस तरफ वाला, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये कौन सा अक्ष है, जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष पर होता है आई और वाई अक्ष पर जे और जेड अक्ष पर के, ये पढ़े होंगे कक्षा 11 में। जैसे देखो इसमें पता है ना कि कौन कौन चीज़ क्या प्रदर्शित करता है, ये बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये क्यू, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो लिख लो इसका भाषा, दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार करेंगे। इसमें जो पहली उंगली होगी, पहली उंगली को क्या कहेंगे, तर्जनी, तो इसमें जो तर्जनी उंगली होगा, तर्जनी वाला प्रदर्शित कौन सी कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो तर्जनी वाला चुंबकीय क्षेत्र बी, और उसके बाद मध्यमा, मध्यमा कौन प्रदर्शित करेगा, मध्यमा कौन वाला, धारा की दिशा, तो मध्यमा लिख देंगे प्लस क्यू, के चलने की दिशा यानी आवेश के चलने की दिशा यानी वी, और अंगूठा, अंगूठा प्रदर्शित करेगा बल की दिशा को, लिख देंगे आवेश पर या चालक पर लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले बल की दिशा, ये इसको प्रदर्शित करता है।